हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। मैं जय आपका वीक रैंक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने पीछे अपना पार्लियामेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और जो बिल सेशन वगैरह होते हैं, वो सारा पार्लियामेंट में इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, कौन सा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी होते हैं ये, वैसे इसमें होते हैं कि भाई विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, जो विधानसभा होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है लोकसभा की तरह। विधानसभा सेम होती है अप्रोक्सीमेटली लोकसभा की तरह, और जो विधान परिषद होती है ना, वो एज सेम होती है राज्यसभा की तरह। ठीक है ना, और जो सेंटर में प्रेसिडेंट का काम होता है, वो ही अप्रोक्सीमेटली सेम गवर्नर का काम होता है स्टेट में। ठीक है, तो चलिए उसे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम करंट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन 35th एशियन समिट। जो 35th एशियन समिट हो रहा है, उसे कौन इंडियन जो है, ऐसा वो कौन बंदा है जो इसे लीड कर रहा है? किसको? 35th एशियन समिट को कौन लीड कर रहा है? तो इसका आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वे इसे लीड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो यूनेस्को हैज डिजाइन विच सिटी एज ए क्रिएटिव सिटी ऑफ किसकी गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को ने कौन सी सिटी को डिजाइन किया है एज ए गैस्ट्रोनॉमी? तो इसका आंसर क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी है ना जो, उसको एज ए क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी डिजाइन किया गया है। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव है वे? मील इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेट। जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको एक्सचेंज में जो है, अगर वो देंगे तो उसके बदले में मिल देगी, ऐसा कौन सी स्टेट ने, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच गोल्फर हैज वोन द 2019 जोजो चैंपियनशिप इन जापान। जो जापान में जोजो नाम की चैंपियनशिप हुई है, उसको वो किस गोल्फर ने जीती है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स इसने जो है ये चैंपियनशिप जीती है। तो ये हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे। चलिए शुरू करते हैं स्टेट लेजिस्लेटर। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में हम चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली विधानसभा, सेकंड विधान परिषद, थर्ड गवर्नर और फोर्थ पंचायती राज। ठीक है, ये चार चीजें पढ़ेंगे। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका लगभग काम होता है लोकसभा की तरह। ठीक है, इसका राज्यसभा की तरह। गवर्नर एज द प्रेसिडेंट की तरह है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग सेम काम होता है, पर आप ध्यान रखिए कि भाई ये सेंटर में होते हैं पार्लियामेंट में, और ये स्टेट में होते हैं। ये सेंटर में होते हैं, ये स्टेट में होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा, आज की क्लास में सिर्फ विधानसभा पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद, फिर गवर्नर, फिर पंचायती राज। विधानसभा का ही दूसरा नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी हम इसे बोलते सकते हैं लोअर हाउस। किसका लोअर हाउस? लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, जैसे लोकसभा था लोअर हाउस, वैसे ही ये भी लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आगे है फॉर्म्ड फॉर 5 ईयर, एक तरह से इसका टेन्योर बोल सकते हैं कि ये 5 साल, मतलब 5 साल का होता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जो विधानसभा की स्ट्रेंथ होती है ना, वो 500 होती है मैक्सिमम।
और 60 होती है मिनिमम। ठीक है ना, 500 बंदे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं विधानसभा के अंदर, और 60 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, यानी 60 से लेकर 500 के बीच में ही जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वे रहेंगे। बट एक एक्सेप्शन है, क्या कि भाई 60 से नीचे हो सकते हैं किस स्टेट में, तीन स्टेट में, एक तो गोवा, एक सिक्किम और थर्ड है मिजोरम। ठीक है, इन तीन स्टेट में 60 से कम मेंबर भी हो सकते हैं, इन तीन स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नर कैन अपॉइंट क्या वन मेंबर टू रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो गवर्नर होते हैं वो विधानसभा के लिए एक मेंबर चुन सकते हैं, किस लिए, टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नर जो है एक मेंबर चुन सकते हैं। जबकि लोकसभा में क्या था, प्रेसिडेंट जो है दो मेंबर को चुनता था। ठीक है ना, पर इसमें गवर्नर एक मेंबर को चुनेगा। आया समझ, ये थोड़ा बेसिक था कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, गवर्नर कितने बंदों को अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आया समझ, तो चलिए इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर किसी बंदे को विधानसभा में जाना है या फिर इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, अंग्रेज नहीं होना चाहिए। आगे है मिनिमम एज उसकी 25 ईयर होनी चाहिए, कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, शुड नॉट बी बैंकरप्ट, यानी भाई वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसको दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, कि उसके पास कुछ भी ना हो। अगला और लास्ट पॉइंट क्या है, नो क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन हिम, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे विधानसभा के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, पोजिशन ऑफ विधानसभा इज स्ट्रोंगर देन लोकसभा, कि भाई जो विधानसभा की पोजीशन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है किससे, लोकसभा से। कब, जब वे जो है रिलेशन में आते हैं विद द अपर हाउस। अपर हाउस यानी जो सेंटर का होता है वो राज्यसभा, और जो स्टेट का होता है वो विधान परिषद। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है, नो प्रोविजन टू सोल्व द डेड लॉक बाय ज्वाइंट सिटिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर भाई जो लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो वे ज्वाइंट सिटिंग करके उसको रिसोल्व कर सकते हैं, पर जो स्टेट लेजिस्लेचर के रूल है वे थोड़ा सा अलग है, कि भाई इसमें जो है कोई प्रोविजन नहीं होता, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कोई प्रोविजन नहीं होता, किसका, ज्वाइंट सिटिंग का। ठीक है ना, इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखिए। अपर हाउस कैन डिले द बिल फॉर मैक्सिमम 4 मंथ्स। जो अपर हाउस है, स्टेट का अपर हाउस, वो डिले कर सकता है बिल को कितने, मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए। यानी भाई जो फर्स्ट जर्नी होगी वो 3 मंथ्स की होगी, और जो सेकंड जर्नी होगी वो होगी 1 मंथ की। ठीक है ना, इसमें दो जर्नी होती हैं, जो फर्स्ट जर्नी होगी वो 3 महीने की होगी और जो सेकंड जर्नी होगी वो 1 महीने की होगी। आया समझ, तो दोनों को मिला के 4 महीने मैक्सिमम हो सकता है ये डिले। अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं, द पीरियड ऑफ पासिंग, क्या पास करने का, बिल पास करने का। द पीरियड ऑफ पासिंग यानी भाई ड्यूरेशन जो राज्यसभा से होती है वो कितनी होती है, 6 मंथ्स। एक बिल को पास करने का जो ड्यूरेशन होती है वो राज्यसभा के पास 6 मंथ की होती है। कौन से बिल के अलावा, मनी बिल के अलावा, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले
पहली क्लास में भी बताया था कि मनी बिल के केस में जो है लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती। ऐसे ही स्टेट में अगर हम जाएं तो सिर्फ विधानसभा के पास ये पावर होगी, विधान परिषद के पास पावर नहीं होती। पर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, वही अपर हाउस, किसका, स्टेट का अपर हाउस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि भाई ये विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधानसभा होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो या तो अपर हाउस बोल देंगे या फिर हम उसको विधान परिषद बोल देंगे। तो इस केस में जो है बिल पास करने का टाइम मैक्सिमम कितना होता है, 3 मंथ्स का, ठीक है। राज्यसभा के पास 6 महीने का, पर जो स्टेट का अपर हाउस होता है उसके पास सिर्फ 3 महीने का ही समय होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विधानसभा के ही। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे विधान परिषद के साथ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।